रहता है यहाँ पर, ठीक है कोई कई सारे मैचेस हारे चेज करते हुए, पर चेजिंग ऑलवेज थोड़ा बैटिंग वाइज बेटर रखती है यहाँ पर। लोअर ऑर्डर बैट्समैन आपको परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत क्लोज पहुँच सकते हैं, और विकेट भी थोड़ा बदलता है वहाँ पर। अगर ड्यू फैक्टर इसमें इंक्लूड जाए थोड़ा बहुत भी, तो काफ़ी फायदेमंद। लेकिन डे गेम है तो यहाँ पे ड्यू फैक्टर हो सकता है शाम को थोड़ी बहुत कुछ ओवर के लिए। हाँ, यहाँ पे ड्यू थोड़ा जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी आती है, 7 बजे तक आ जाती है, तो 6:30 तक आ जानी चाहिए और थोड़ा असर रहेगा गेम पे। लेकिन 6:30 के बाद तो हम कैसे अपने एक्साइटमेंट को कंटेन करेंगे ना, क्योंकि हम तो सीएसकेएमआई के बारे में सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर ऑफकोर्स राजस्थान रॉयल्स पहले बैटिंग करने उतरेंगे, यानी जॉस बटलर आएंगे। अब जॉस बटलर की बात करें तो 2021 से सबसे ज्यादा छक्के वो जड़ चुके हैं, यानी आज भी एक बड़ी लंबी पारी देखने को मिल सकते हैं, या इंजरी का थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ सकता है, पर मैं जॉस से और ज़्यादा एक्साइटेड मैं यशस्वी जायसवाल के लिए हूँ। यशस्वी जिस फॉर्म में है और जिस फॉर्म में चलते आ रहे हैं, तो जॉस के लिए और आसान हो जाएगा बैटिंग करने में, क्योंकि वो फ्रीली खेल सकते हैं, क्योंकि